ओमप्रकाश राजभर जी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। खत्म हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से। की पेपर लीक में उनका हाथ है। बाबा जी क्यों नहीं इनके घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। फेल वाले को पास कराना और पास वाले को फेल कराने, इसका मतलब ये है कि लड़के आत्मदाह की ओर जाएंगे। सरकार सिर्फ कहती है कि माफिया मुक्त है, सिर्फ सरकार माफियाओं को टिकट। चलने के बाद इनका कर्मकांड किया जा रहा है। आज से देवी राम का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं। सुभाषपा विधायक जहूराबाद के विधायक हैं बेदी राम, उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नीट पेपर लीक में उनका हाथ है और अभी तक सब कुछ पता होने के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। उनके सरगना ओम प्रकाश राजभर जी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बच्चों के भविष्य के लिए आज हम जिलाधिकारी जी को पत्रक देने आए हैं कि ये पत्रक मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या रीज़न है कि उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का लगना चाहिए। इसकी वजह यही है कि आज एक हफ्ते से ये न्यूज़ चल रहा है कि पेपर लीक में उनका हाथ है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज तो हम लोग अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए हैं, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम अपने पूरे यूथ पूरे बच्चों के साथ ऐसे ही धरना देंगे और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम लोग इसी तरह सड़क पे रहेंगे। बिल्कुल है, अगर नहीं होता तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है। बाबा जी क्यों नहीं इनके घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, क्यों नहीं इनके बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा है कि ये बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हैं। आप हमारे आपके सबके बच्चे ये हो सकते हैं ना, किसी एक बच्चे के बारे में मत सोचिए, यहाँ हमारा भी बच्चा हो सकता है, आपका भी बच्चा हो सकता है, सबका बच्चा हो सकता है। तो हमें सरकार हमें ये बताए कि क्या रीजन है कि वो अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की है। ओम प्रकाश राजभर जी के संज्ञान में था कि ये भ्रष्ट आदमी है, उसके बावजूद इन्हें टिकट दे के विधायक बनाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार सिर्फ कहती है कि माफिया मुक्त है, सिर्फ सरकार माफियाओं को टिकट देती है। देखिए बेदी राम और ओम प्रकाश राजभर को पूरा का पूरा सहयोग सरकार का मिल रहा है। क्लियर कट एक नेशनल चैनल पर जब बेदी राम इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं अंदर से नौकरी लगवा देता हूं, एक साथ 50-50 लोगों की नौकरी लगवा देता हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं, और पेपर लीक में उनका नाम आया है नेशनल न्यूज़ के माध्यम से, तो उसके बावजूद भी वो आदमी डंके की चोट पर कल परसों बयान दिया कि मुझे मेरी जाँच करके दिखाई जाए, जबकि 2014 से उसके ऊपर चल रहा है जाँच, हिस्ट्री सीटर भी बताया जा रहा है उसको। उसके बाद भी अगर प्रशासन या सरकार उसको गिरफ्तार करके जांच नहीं कर रही है तो सीधे सीधे है कि सरकार का कहीं ना कहीं इसको सहयोग मिल रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी के कैबिनेट मंत्री होने का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। सरकार हो गई है, लीक पार्टी मान लीजिए या लीक सरकार मान लीजिए, इनके कार्यकाल में अभी तक जितना पेपर लीक हुआ है हमको नहीं लगता है कोई ऐसा पेपर होगा जो लीक हुआ है, और कोई ऐसी वैकेंसी जो नहीं होगी जो कोर्ट में ना गया हो। लेकिन जो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, यह सबसे महंगा एग्जाम होता है, जिसकी तैयारी के लिए बच्चे कई साल मेहनत करते हैं, कई करोड़ रुपया उनके गार्जियन खर्चा करते हैं, ज़मीन बेच के, गहना बेच के, ब्याज लेकर या जैसे भी ब्याज पर पैसा लेकर या जैसे भी। अब इन लोगों का
फेल वाले को पास कराना और पास वाले को फेल कराने का मतलब ये है कि लड़के आत्मदाह की ओर जाएंगे। तो और सरकार ने अभी 4 दिन 5 दिन पहले कानून बनाया है कि जो भी पेपर लीक मामले में पकड़ा जाएगा उसको आजीवन कारावास होगा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि जब आपको ऑथेंटिक सबूत सब न्यूज़ के द्वारा मिल गया है तो आप लोगों को तुरंत कार्रवाई करके जांच करना चाहिए ना, या तो फिर कह दीजिए कि समाचार चैनल न्यूज़ चैनल जितने भी हैं नेशनल इंटरनेशनल यूट्यूबर सब बेकार हैं, इनका कोई मान्य नहीं है, तो फिर हम लोग मान लेंगे कि चलो भाई सब बेकार है तो हम लोग धरना प्रदर्शन या इस तरह का कार्यक्रम करना बंद कर देंगे। लेकिन यह इससे साबित होता है कि सरकार का प्रश्रय है उसको और सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है।